आप देख रहे हैं ZNN News, ZNN News में आप सभी का स्वागत है। मैं उत्कर्ष। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है जहां हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आगमन हुआ था राजधानी से सटे जनपद बाराबंकी के विधानसभा दरियाबाद, यहां जनसभा को संबोधित करने पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आइए देखते हैं रिपोर्ट। बताते चले, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जनसभा में सूत्रों के मुताबिक लगभग 5 लाख की पार जनसंख्या में लोग मौजूद थे। जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम ने अपनी सरकार के द्वारा किए गए कार्य की उपलब्धियां गिनाई और समाजवादी पार्टी पर तीखा निशाना छोड़ते हुए कहा, झूठे वादे जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं, क्या उनकी सरकार में 24 घंटे लाइट रहती है? आज हमारी सरकार में शहर में 24 घंटे और गांव में 20 से 22 घंटे लाइट रहती है और पूर्वांचल एक्सप्रेस वे का विकास गिनवाया और पुनः सरकार बनाने की अपील की। आइए देखते हैं स्टेट हिट कुलदीप वर्मा की खास रिपोर्ट। धन्यवाद। गन्ना किसानों की समस्याओं के स्थायी समाधान पर काम कर रहे हैं। हमने चीनी मिलों की सेहत को सुधारी, गन्ने से इथेनॉल पर भी जोर दिया, यानी जब गन्ना ज्यादा हो जाए तो बेकार ना हो जाए, उसे इथेनॉल बनाया जाए ताकि मेरे किसान को परेशानी ना हो। इथेनॉल की बिक्री से जो पैसा मिल रहा है वो चीनी मिलों के साथ ही गन्ना किसानों का भी फायदा कर रहा है। साथियों, पशुधन हमारी खेती का अभिन्न हिस्सा है। पशुधन के समृद्धि के लिए हमारी सरकार आजादी के बाद पहली बार, आप देखिए ये सरकारें कैसे चलाते थे, उनकी प्राथमिकता नहीं आती। आजादी के बाद पहली बार 13,000 करोड़ रुपए की लागत से हमने पशुओं के टीकाकरण का अभियान चला रखा है। हम सिर्फ कोरोना के लिए मनुष्य का टीकाकरण कर रहे हैं, ऐसा नहीं, ये खुरपका जो हमारे पशुओं को होता है उनको बचाने के लिए 13,000 करोड़ रुपए का टीका अभियान चला रहे।